Detonation. Hi everyone. Oh, wow. Hi. Hi, 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 hi. Hi, Narendra Singh. वो ये बार बार मुड़े जा रहा है, स्क्रीन को सेट करना पड़ेगा। सो हे गाइस, लास्ट टाइम आपका रिस्पांस देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अच्छा भी लगा। सो आपने देखा ही होगा कि मीत मुखी और वरुण बुद्धदेव जैसे एक्टर्स हैं, उनको बचपन मतलब कितनी छोटी सी उम्र में कितने सारे अचीवमेंट्स मिल चुके हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए और उनकी लाइफ को जानने के लिए हम इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। मीत आने वाले है। हे मीत, हाय, कैसे हो? बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हो? मैं तो एज ऑलवेज बढ़िया, आप बताओ? मैं भी बढ़िया। आपने मेरी कैट देखी कभी? हाँ देखी, मैंने कल वीडियो में देखी थी। वो खुशी यही घूमती रहती है वो अभी। लेकिन वो मुझसे थोड़ा डरती है। क्यों? मैं उसको बहुत सताता हूँ। उसको हर वीडियो में उसको जबरदस्ती पकड़ के लाता हूँ मैं। सो गाइस, जो लोग मीत के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा मीत का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। तो मीत तो मीत जो है हमारे मीत बहुत छोटी सी उम्र में बहुत सारे टीवी सीरियल्स कर चुके हैं, चाहे वो जी टीवी हो, चाहे स्टार प्लस हो, चाहे सोनी टीवी हो, हर जगह मीत आप देख सकते हो मीत को। और मीत काफी बड़ी बड़ी फिल्म भी कर चुके हैं, 4 फिल्म कर चुके हैं, अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त सर, नरगिस पाकड़ी। हाँ जी, और हमारे क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ भी शूट कर चुके हैं, विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा, शिखर धवन, मतलब इंडियन टीम के साथ, पूरी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। सही है, तो चलो मीत क्वेश्चन शुरू करें। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक फन रिडल पूछता हूँ, देखते हैं आप आंसर कर पाते हो नहीं। ठीक है, व्हाट इज दैट व्हिच हैज कीज बट नो रूम्स बट नो लॉक्स? व्हाट हैज एंटर but you can't enter, which has space but no room? Five, four, three, Meet, two. I'm not intelligent as you. Okay, so should I tell the answer?
बता दूं आंसर? हाँ बता दो, मेरे बस का नहीं है। कीबोर्ड आंसर है। कीबोर्ड में कीज ओहो, होती है। नीचे लिखा भी था एक में, मैंने पढ़ा भी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं बताऊंगा, ये मुझे आता ही ये नहीं, कोई झूठ क्यों बोलना है ना। पॉइंट। सुमित, आपको मैं सबसे पहले ये बताना होगा कि आपको कैसे महसूस हुआ कि आपको एक्टिंग में ही जाना है, मतलब और कोई करियर नहीं। एक्चुअली मुझे जब मैं टीवी पे एड्स और सीरियल्स देखता था तो मुझे भी मन किया कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है। पहले मैं स्कूल में प्ले भी किया था एक दो मैंने एनुअल डे फंक्शन में, तब भी मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद था। आई वॉज इंटरेस्टेड इन दैट। सो मैंने मम्मी को बोला, फोर्स किया, तो मम्मी ने बात की, मतलब अपने फ्रेंड से पूछा कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है। देन फिर हम लोग एक ऑडिशन पे गए, मैंने ऑडिशन दी, और वो ऑडिशन एक टीवी सी एड के लिए थी जो मेरी फर्स्ट एड थी, कोलगेट। एंड देन मैं उसमें शॉर्टलिस्ट हुआ, और फिर उसके बाद ही कुछ दिन बाद मैं फाइनल भी हो गया, फोन भी आया। एंड देन मैंने शूट भी किया उसको, और वो 2 दिन की थी वो एड शूट, और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और वही मेरी लाइफ की सबसे पहली एड थी, और फिर उसके बाद तो मतलब आप सबका प्यार और सपोर्ट मिलता गया। सही है, आपकी वॉइस बहुत स्वीट है, वैसे काफी ज्यादा स्वीट है। थैंक यू सो मच। अच्छा तो आपको अभी ये बताओ कि आपको सबसे बड़ा शूट कैसे मिला, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शूट। सबसे बड़ा शूट जो पहला था, जो मतलब मैंने एक जी टीवी पे शो किया था, सपने सुहाने, रिलीज भी की हुई है, लेकिन मैं आज तक उसको अपना अपलोड हो रहे हो। हाँ मैंने तो वैसे मूवीज भी की हुई है 3-4, लेकिन फिर भी मैं अपने जो पहला शो जी टीवी पे जो था सपने सुहाने लड़कपन के, उसी को बड़ा शो मानता हूँ, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट मानता हूँ, क्योंकि वो 3 साल चला था और मुझे उसमें 3 जी रिश्ते अवार्ड मिले थे। और उसमें से मेरे पास यहाँ पर है भी, ये देखिए, तो इसीलिए मैं उसको अपना सबसे बड़ा शो मानता हूँ, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट वाह, मानता हूँ। सो या ये तो सपना होता है यार हर बच्चे का, मतलब जो जब इतनी मुझे छोटी सी फर्स्ट उम्र टाइम में मैंने मिल उसको चुका हाथ है। में लिया था, हाँ मैं तब 6 इयर्स का, 6-7 इयर्स का था मैं। सही है। अच्छा तो एक व्यक्ति को, एक नॉर्मल व्यक्ति को इतनी सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी इतने छोटी सी मतलब उम्र में, कैसे क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? आपको इंटरेस्ट होना चाहिए अगर आपको कोई भी चीज़ में, मतलब आपको करना है तो आपको बचपन से ही मेहनत करनी पड़ती है, और आपको इंटरेस्ट होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट बात। मेहनत तो आप किसी भी चीज़ में कर लोगे, लेकिन आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में। मुझे इंटरेस्ट था, मैंने मेहनत की, मेरी मॉम ने भी मेरे पीछे बहुत मेहनत की, तो और आप सबका प्यार भी मिला। सो या नाइस। अच्छा तो आपने सुशांत सिंह राजपूत जैसे काफी फेमस एक्टर के साथ काम किया हुआ है, तो आपको कैसा लगा था उनका बिहेवियर, और मतलब कैसा लगा उनकी मुझे मूवीज से? बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, और जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था तो मैं थोड़ा सा नर्वस था कि कैसे होंगे क्या होंगे, पर वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे। और उनका नाम सुशांत सिंह है और मेरा नाम मीत मुखी है, तो उन्होंने जब उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैंने बताया अपना नाम, तो उन्होंने कहा मैं SS और तू MM, तो आज से हम दोनों SS MM। और कुछ और कुछ तो नहीं था, मतलब बिहेवियर टाइप, मतलब जैसे बिहेवियर उनका तो, बिहेवियर औरों के साथ और आपके साथ, एटीट्यूड बिहेवियर तो लेवल अच्छा एंड था, मतलब सारे एक्टर्स का अच्छा था जिनके साथ भी मैंने शूट किया, बहुत ही मजा आया, ऐसा लगा नहीं कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ। अच्छा आपने राउडी राठौर जैसी फिल्म भी करी है जो काफी ज्यादा फेमस हुई है, काफी ज्यादा, हाँ तो हाँ उसमें अक्षय कुमार का आपको बिहेवियर, अक्षय कुमार सर का आपका बिहेवियर कैसा लगा उनके साथ काम सबसे बड़ी करके, बात, एक्सपीरियंस कैसा हाँ रहा? सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, मेरा जो फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट, हम लोग पैकअप के बाद वही खेलते थे। अच्छा मैं 15 डेज कर्नाटका में था, कर्नाटका हुबली, और वहाँ पर हर दिन पैकअप के बाद हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ। तो आप भी खेलते थे उनके साथ? वहाँ भी खेलते थे हम क्रिकेट, अक्षय सर, मैं और पूरी यूनिट ऑलमोस्ट खेलती थी। अच्छा उसी मूवी में इनफैक्ट प्रभु देवा सर के साथ भी एक आपने काम किया है।
इनके साथ? प्रभु देवा सर के साथ भी आपने उसी मूवी में काम किया है, हाँ, तो उनका बिहेवियर, उनके साथ एक्सपीरियंस? वो सबसे ज्यादा हम्बल है. जो सबसे बड़ी बात है, वो बहुत ज्यादा हम्बल है. वो मतलब वैनिटी वैन में नहीं, वो पूरी यूनिट के साथ बैठ के खाना खाते थे. अच्छा, तो वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, वो इतने डाउन टू अर्थ थे. सो या विराट कोहली सर और अनुष्का शर्मा मैम के साथ भी आपने मतलब काम किया है, शूट्स किए हैं, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनका बिहेवियर कैसा लगा आपको? विराट सर के साथ जो मैंने ओप्पो मोबाइल फोन की ऐड की थी, उसके लिए तब श्रीलंका टूर चल रहा था. तो मैंने उनसे पूछा था, जब मैं मिला उनसे, तो मैं एक्चुअली रोहित शर्मा का भी फैन हूँ और विराट सर का, अच्छा, दोनों का. तो मैंने उन दोनों से पूछा कि आप इतना अच्छा क्रिकेट कैसे खेल लेते हो, मुझे भी आपकी तरह बनना है. तो उन्होंने बोला, हाँ श्योर, हम आपको क्रिकेट सिखा देंगे. सही है, सब हम्बल लोग हैं, सब अच्छे बढ़िया। हैं. अच्छा, आपका आमिर खान के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा जो आपने उनके साथ मूवी करी थी? आमिर खान के साथ मैंने वो जो प्रोजेक्ट मैंने शूट किया था, उसमें एक्चुअली ज्यादा हम लोग का था नहीं साथ में, लेकिन हम दोनों का अलग अलग था शूट. बट मैं मिला था उनसे, तो उनसे ज्यादा बात नहीं हुई, बट वो भी अच्छे थे. अच्छा, आप हाल ही में बिग बॉस विनर रुबीना दिलेक के साथ लीड रोल में हो, मतलब शक्ति सीरियल में, तो हाँ, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका? उनके साथ तो मैंने पूरा 1 साल किया था शूट. तो और जहाँ पर हम शूट कर रहे थे उसके बाजू में ही था मैगडी, तो हम लोग ऑलमोस्ट हर 2 दिन में के बाद मैगडी जाते थे हम लोग सब, और मतलब जितने भी को एक्टर्स थे हम लोग सब वहाँ जाते थे और फिर मैगडी में खाते थे. हमारा बंच इवनिंग का वही होता था ज्यादातर. अच्छा, तो आपने संजय दत्त के साथ भी मूवीज करी हैं, रशिया भी गए थे आप उस टूर में, तो वो कैसा हाँ, लगा आपको उस टाइम, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका रशिया जाकर? उस टाइम तो मतलब हमारा वैसे वो क्रिकेट के ऊपर ही थी मूवी. तो जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते थे क्रिकेट के लिए कि कैसे करना है, क्या करना है, तो वो भी हमारे साथ कभी कभी खेल लेते थे. और पैकअप होने के बाद तो हम लोग डांस भी करते थे. जहाँ पर हमारा डिनर होता था वहां पर हम सब मिलके डांस भी कर लेते थे, संजय दत्त सर, नरगिस मैम, सब. अच्छा, बहुत से लोग एक्टिंग में करियर बनाने के लिए और ग्लैमर वगैरह में जाने के लिए काफी कुछ ट्राई करते हैं, जैसे सोशल मीडिया बनाएंगे, मतलब रील्स पर बनाएंगे, टिकटॉक था उस पर बनाते थे, तो आपको क्या लगता है मतलब सही मायने में करना क्या चाहिए इन सब से, शायद ना हो? अगर नहीं, आजकल सोशल मीडिया भी बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म बन गया है. मतलब देखा जाए तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पहले था, अभी नहीं है, बैन हो गया है. तो ये सब जो है बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म्स है, तो आप इनसे भी आगे बढ़ सकते हो. हमने बहुत सारे देखा है, मतलब सारे यूट्यूबर्स भी देख लीजिए, या तो आप ऑडिशन देके भी कर सकते हैं. सही है। अच्छा, आपको लाइफ में सबसे ज्यादा दुख कब हुआ, मतलब नाराजगी कब हुई? नाराजगी तो मुझे कभी नहीं हुई है, मतलब सब अच्छे हाँ से ही हुआ भाई, है. कभी सच छोटे हो तो नाराजगी भी हुई नहीं। होनी भी नहीं चाहिए. सॉरी मीत, नेटवर्क इशू था थोड़ा. अच्छा आपको लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? कुछ जैसे बड़े शूट्स होते हैं तो आपको वाला ऐसा लगता है, लाइफ अपने में आप ही बड़ी लगता है खुशी, क्या जैसे मैंने करते हैं बताया, लाइफ की बड़ी खुशी सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट. और ये भी कह सकते हो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट, लेकिन उससे भी ज्यादा अवार्ड मिलने पे हुई थी. अभी तो मिलेंगे, और भी अभी तो मिलेंगे। और अच्छा, इतना बिजी रहते हो, पढ़ाई कैसे कर लेते हो? पढ़ाई तो मैनेज हो ही जाती है शूट्स के साथ, बिकॉज 10 आवर्स ऑन सेट. और जब एग्जाम्स होते हैं तो हम एग्जाम्स देने के मतलब एग्जाम्स देने के बाद मैं शूट पे आता हूँ, और नॉर्मल डेज पे मैं एक स्कूल कंप्लीट करके फिर सेट पे जाता हूँ. तो सही इजी है, है. इजी रहता सब कुछ, कोई कुछ नहीं कहता। नहीं, सही। अच्छा, लॉकडाउन कैसा बीता आपका, मतलब अभी लूडो खेल के, लॉकडाउन लूडो छोड़ ही दिया हुआ है?
लूडो खेल के, लूडो बस लूडो खेल के। और तो और मेरी मम्मी ने अलग अलग डिशेस बनाई थी, जैसे पानी पूरी, पाव भाजी, सब अलग अलग डिशेस, हमने रसगुल्ले, गुलाब जामुन, सब मम्मी ने रेसिपी देख देख के बनाई थी, बहुत मजा लूडो आया खेल था। खेल के दूसरों से रिडल्स पूछ पूछ के किसी हाँ को आंसर पता ही नहीं होगा। नहीं, और तो और पबजी भी खेला है मैंने, पबजी। पबजी। हाँ सही में, मतलब विषय हो रहा है यार, सॉरी। अच्छा नीचे भी किसी ने वो कमेंट किया है पबजी के लिए। अच्छा आपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स के बारे में कुछ बताओ। फ्रेंड फ्रेंड्स वाला बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मतलब जब भी मैं बड़े दिन बाद कभी शूट करके मैं आता था स्कूल, तो वो सबसे पहले होते थे जो मुझसे पूछते थे अभी कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा है, और एक एक को मुझे बताना पड़ता था कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, भाई मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। और फिर जब रिलीज होता था वो सबको प्रोजेक्ट, अलग अलग। तब मुझे जाके बताना पड़ता था उनको कि ये अब देखना, ये मेरा प्रोजेक्ट देखना, तूने शुरू में मेरे से पूछा था तो अब जरूर देखना। अच्छा और पेरेंट्स के बारे में। पेरेंट्स तो जैसा मैंने कहा वो शुरू से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और मेरी मॉम ना होती तो मैं शायद यहाँ होता भी नहीं, मतलब ये इंडस्ट्री में नहीं होता। अच्छा तो आप पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में क्या खेलते हो। क्रिकेट, ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेट, क्रिकेट इज बढ़िया। माय ऑल टाइम फेवरेट स्पोर्ट, मतलब मैं कभी भी बोलो मैं कभी भी खेल सकता हूँ, बस शूट्स ना हो या अच्छा एग्जाम्स ना हो तब। तो आप कुछ एकेडमी वगैरह ज्वाइन करते हो उस सब चीजों के लिए, लाइक क्रिकेट आपको नहीं पसंद है ज्वाइन नहीं करिए पसंद आपको। है लेकिन क्रिकेटर बनना नहीं है, मतलब एज अ हॉबी कह सकते हो, मतलब जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं अपनी बिल्डिंग में क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा मेरे तो इतने ही सवाल थे, अब आप ऑडियंस से बस बात कर सकते हो। दिस वॉज सो इजी, सच में आई एम प्रो। आपने सबका जवाब काफी इजीली दे दिया, मुझे लगा था कहीं ना कहीं अटकोगे, थोड़ा सा टाइम लोगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स। पौधा भी बीच में आता है। पीरो बंदा है, यस मैं शुरू से अच्छा आंसर्स तो गाइज मतलब आपको अगर मीत से कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ क्वेश्चंस हो मीत से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो, मीत बाकी मैं सर भी दूंगा बाल आंसर। बहुत लंबे हो गए। हाँ यार मुझे हेयर कट करना है, बाल बाल तो मेरे बहुत लंबे हो गए। आप किसको सपोर्ट करते हो बिग बॉस में? मैं सबको ही सपोर्ट करता हूँ, जो जीत जाए मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। बट लेकिन हाँ इस बार कुछ चेंज हुआ होगा पक्का, इस इस बार बार तो एक किस ही इंसान की तरह होंगे आप। रूबीना मैम, तो हाँ वो तो खुद भी कह रही थी मेरे को सपोर्ट कर। नहीं, इस बार तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मेरी मम्मी को ना राहुल वैद्य बहुत पसंद था, ठीक है, तो अच्छा अब एंड में हमारी फाइट हो रही थी कि नहीं तू भी राहुल वैद्य को ही वोट कर, लेकिन मैंने किया रुबीना मैम को। नहीं करेगा किसी और को। यस सही है। मैंने ये आपकी सीक्रेट सुपरस्टार्स इनके स्टोरी पे देखा था, बहुत सारे क्वेश्चंस और पूछे थे। हाँ उनका कुछ क्वेश्चन मतलब आए नहीं मेरे पास। वो स्टोरी पे कि आपने जो लगाया हुआ था उस पे था, हाँ क्वेश्चंस थे बहुत सारे। कहाँ गया, मैं एक बार शुरू से चेक करता हूँ किसी ने किसी का क्वेश्चन मिस ना हो गया। अच्छा आप रिसेंटली कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो। अभी रिसेंटली तो नहीं, बिकॉज अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो उस पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ मैं। मतलब एवरेज में कितने मार्क्स आ जाते हैं आपके। मैं हूँ बैक बेंचर, नहीं बैक लेकिन बेंचर हूँ। बैक बेंचर भी एक दिन पहले पढ़ के मार्क्स ले आते हैं, उसमें कोई वो हाँ नहीं है। वो नहीं है, हाँ लेकिन अभी तो एग्जाम्स में टाइम है, आज है 7th मार्च है, हाँ टाइम है अभी।
अप्रैल में है मेरे तो परसों से ही है यार, सब बेकार। तो अभी आपको तो पढ़ना पड़ेगा इंटरव्यू के बदले, हाँ लेकिन इंटरव्यू के क्वेश्चंस छोड़ के अब इंटरव्यू बुक से के ज्यादा क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम्स। पॉइंट। यस तो आपके भी अभी 11 के फॉलोअर्स हो गए ना इंस्टा पे, 10 के? 12.3। 12.3, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स। वेलकम। कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा? किसी को पसंद ही नहीं है क्वेश्चंस पूछना शायद, सब सबको बस हाय हेलो लिखना। कोई तो क्वेश्चंस पूछो। एक सेकंड मैं देखता हूँ, शायद मेरे को क्वेश्चंस दिख रहे हैं। मेरा तो हेलो पे ही अटक गया है। अच्छा सो आपको सबसे ज्यादा मोस्ट चैलेंजिंग रोल कौन सा गया है? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग। मोस्ट चैलेंजिंग जब मैंने वो वाला कैरेक्टर किया था, जब मैंने फर्स्ट माइथो शो किया था, हाँ जी जब मैंने फर्स्ट माइथो शो किया था, जो मेरा फर्स्ट माइथो शो था वो था बाल गोपाल करे धमाल, अच्छा या शायद राम वाला कैरेक्टर था मेरा, लेकिन जो भी था माइथो वाला था वो शायद राम था। बाल गोपाल करे धमाल में इतना कुछ नहीं था क्योंकि वो प्रॉपर माइथो नहीं था, और बाल कृष्णा भी डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि उससे पहले मैं राम कैरेक्टर कर चुका था। हाँ शायद राम कैरेक्टर मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था शुरू में, फिर उसके बाद एक हैबिट हो गई थी तो उसके बाद तो इजी लगने लगा। सो वो चैलेंजिंग था थोड़ा। यहाँ लिखा है मीत भाई खुशी के अकाउंट में भी कुछ बोलो। मीत भाई खुशी के अकाउंट में, अभी मैं अगर खुशी के अकाउंट में लॉगिन करूंगा तो मेरा लाइव कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हाँ एक दिन खुशी भी लाइव आएगी, आएगी खुशी लाइव आएगी। तो ये खुशी से देखो अभी सवाल हम पूछे जाएंगे। खुशी से सवाल पूछे जाएंगे। हाय खुशी खुशी। अभी चिल मूड में है बिल्कुल। देख रही है वो, मुझे देख रही है। सो व्हाट्स योर फेवरेट फूड? फेवरेट फूड मैगी, मतलब जंक फूड के अलावा आलू की सब्जी। आलू? हाँ सच में? मुझे, हाँ सही में। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में अचीवमेंट तो ठीक है, ये भी काफी बड़ा अचीवमेंट है कि तुम्हें आलू पसंद है। हाँ लेकिन आलू से ज्यादा पनीर की सब्जी। बस कोई भी सब्जी दो, वेजिटेबल्स मत डालो। आई डोंट लाइक कैप्सिकम, अनियन एंड ऑल। ओ कैप्सिकम तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा सो कौन सी क्लास में हो आप? मैं अभी 9th। 9th? हाँ 9th। रियली? यस मैं भी 9th में हूँ। हाँ रियली और सेम पिंच। मतलब यहाँ तो सारे इतने होते हैं 9th में, मतलब फेवरेट एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड? फेवरेट एक्ट्रेस कोई नहीं पसंद, एक्टर बहुत सारे हैं, एक्ट्रेस नहीं। अच्छा अच्छा तो एक्टर ही बता दो। टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, विद्युत जम्वाल, बस बस बस। आपको क्रिकेट पसंद है या फुटबॉल? देखो वक्त पे डिपेंड करता है, ज्यादा एनर्जी है मेरे अंदर तो मैं फुटबॉल खेल लेता हूँ, थोड़ी कम है तो मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ। देखने में क्रिकेट? क्रिकेट, मतलब क्रिकेट ज्यादा फुटबॉल पसंद। देखने में यार काफी काफी बोरिंग लगता है मुझे, बहुत बोरिंग, सब भी भाग रहे हैं इधर से उधर। खेलना अलग बात है बट देखने पे आओ तो। मेरे फ्रेंड्स तो पूरा मतलब देखते हैं फुटबॉल मैच, जो फुटबॉल लवर्स हैं, और फिर जब मैं टेस्ट क्रिकेट देखता हूँ टीवी पे
तो फिर वो मुझसे पूछे कि तो तू कैसे देख लेता है टेस्ट मैच? नहीं, टेस्ट मैच तो देख सकते हैं, फुटबॉल नहीं देख सकते। देख सकते हैं, पहले धोनी जी बैटिंग करते थे तो देख ही सकते थे। अब ऋषभ पंत आ गए हैं। हाँ अच्छा, आपके दिमाग में इतने रिडल्स आते कहाँ से हैं? मतलब कहाँ से? रिडल्स बस ऐसे बैठे बैठे पॉपअप जैसे होता मेरे को है। तेज भैया ने भी बताया कि मीत रिडल्स बहुत बोलता है। मैंने कहा चल देख लेंगे, हाँ देख लेंगे। देख कहाँ से आते हैं? पॉपअप हो जाते हैं अचानक से। ये वाला शायद आपने सुना होगा, ये मैंने बहुतों को पूछा है शायद। ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर है? सर पे पैर? सर पर पैर है, पैर पैर लेग्स। हाँ, वो तो मैं समझ गया, सर पे पैर। अच्छा तो एक सर सेकंड, पर मैं पैर, नीचे से बताऊँ। सर पर पैर। पास पास पास? यस। सो आंसर है सारी चिड़िया। सारी चिड़िया के सर पर पैर होते हैं। ये चीटिंग है। मैंने सर पर पैर नहीं। बोला। अच्छा, आपने तो पूछा था तो आपने सिर की तरफ इशारा किया था, ये चीटिंग है। सर पर पैर बोला था नहीं बोला मैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। सर पर पैर, सर नहीं पर ना पैर। ना। गुप्ता अच्छा, आपका गुप्ता ब्रदर्स कैसा रहा? ब्रदर्स तो बहुत ही मजा आया। वो हम चार भाइयों की स्टोरी थी और हम चारों भाइयों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी बन गई थी कि लग ही नहीं रहा था कि हम लोग असली भाई नहीं हैं। ओ हितेन सर के साथ मैंने शूट किया था तो उनको तो मैं शिव ब्रो बुलाता था सेट में, क्योंकि उनका कैरेक्टर नेम शिव था तो मैं उनको शिव ब्रो बुलाता था। मीत सॉन्ग सुनाओ। सॉन्ग सुनाओ। कौन सा सॉन्ग सुना? अच्छा चलो ठीक है, मैं एक सॉन्ग सुना। मैंने अभी फिलहाल कोई सॉन्ग नहीं सुना, लेकिन हाँ, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। कौन है कौन? कोई नहीं, दशके कमर? फिर कोई नहीं। कोई भी कोई तो होगा। नहीं। सुपर। मेरे में क्वेश्चंस क्यों नहीं दिख रहे हैं? मेरे में हेलो पे रुक गया अच्छा, क्यों पता नहीं। और मेरे में काफी मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन आए जा रहे हैं। तो लगता है मेरा कुछ लैग हुआ है शायद। आपके पास आ रहे क्वेश्चंस तो आप ही पूछ लो। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, आपकी फूड प्रेफरेंस क्या है, नॉन वेज या वेज? बोथ दिन पे डिपेंड करता है। जैसे आज चिकन खाऊंगा मैं। चिकन? हाँ चिकन। आपको पसंद है नॉनवेज की आप वेज हो? नहीं यार, मैं वेज हूं। यहां फंस गए आप। बस यही मार खा गया मैं। अच्छा, आपको सपने सुहाने में कैसा लगा?
सपना सुहाने में मैं बहुत छोटा था और मेरा कैरेक्टर नेम इतना फनी था और उसमें मैं काफी फेमस भी हुआ था, तो सब मुझे वही कैरेक्टर नेम से बुलाते थे, ढोलू। मतलब एक बनारस का 5-6 साल का लड़का, और मुझे सब सेट पे ढोलू बुलाते थे। अगर मैं स्कूल में जाऊं तो भी ढोलू बुलाते थे मुझे, ढोलू इधर आ ढोलू। और ढोलू तब मैं बहुत मस्ती करता, बहुत ज्यादा, अभी भी हूँ, तो इसीलिए मुझे यही अवार्ड मिला था। और मेरा कैरेक्टर भी वैसा ही कुछ था, मस्ती खोर किरदार। ओ तो तो मस्ती खोर किरदार ये के नाम ढोलू के से, लिए मिला है आपको? हाँ ढोलू के लिए मिले 3 अवार्ड अच्छा, तो ढोलू जब के ये लिए। अवार्ड मिलने वाला था उन्होंने बोला था ढोलू इधर आओ, ढोलू नहीं नहीं तब ऐसा नहीं बोलते। अवार्ड ले लो। अच्छा कोई क्वेश्चन आया और शायद पता नहीं किधर पे। अरे चलो इसमें लिखा है आप मैं फेमस एक हो गए। जिब्रिश अच्छा ट्राई कर, हाँ अच्छा मैं एक चीज ट्राई करता हूँ, देखते हैं। बॉलीवुड मूवीज, ठीक है, ये एक गेम खेलते हैं। हाँ कहाँ से होगा प्ले? प्ले क्यों नहीं हो रहा? प्ले क्यों नहीं हो रहा? ये दिख रहा है ना मेरे सर पे, तो हाँ ये प्ले क्यों नहीं हो रहा? कैसे होगा प्ले? पीछे होना पड़ेगा क्या? कैसे होगा ये प्ले? आप ट्राई करो ये फिल्टर। मेरे में शायद से ना आएगी। मेरे में नहीं आएगा ये। गेस द ब्रांड, आ जा, क्या करना पड़ेगा? नहीं आ रहा, लगता है वो ऐसे डुएट में नहीं होगा। छोड़ो कोई नहीं। लेकिन ये गेम मैं फ्री टाइम में खेल लेता हूँ, ये भी। मैं भी खेल के स्टोरी पे लगाता रहता हूँ। चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। सो आपने मेरे से तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, अब आप अपने बारे में तो कुछ बताओ। मैं एक साधारण बालक हूँ जिसको आपसे सीख चाहिए सिर्फ थोड़ी सी, ताकि कुछ जिंदगी में भला हो जाए मेरा। तथास्तु और मैं बच्चे। भी सोशल मीडिया पर थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, लोगों को एंटरटेन करता हूँ बस। तथास्तु। आप भी ऐसे ही कर रहे थे। नहीं, मैंने कर दिया था, मैंने कहा मैं थोड़ा दे रहा हूँ कुछ चाहिए। आपके पास कोई पेट है? हाँ और क्या, कौन कौन? मतलब डॉग की कैट? अच्छा पेट पेट। पेट। ओ सॉरी, पेट ना एक्चुअली यहाँ पे मेरे घर के सामने मेरे नेबर्स रहते हैं, उनके पास है 5-6, तो बस उन्हीं से काम चल जाता उन्हीं है मेरा। के साथ। तो अगर आपको पेट लेना हो तो आप डॉग लोगे या कैट? आई थिंक मैं डॉग लूंगा क्योंकि मुझे मैंने लगता है कैट्स बेवफा होती हैं। बेवफा। नहीं होती है, अभी देखना 3 दिन खाना मत देना इसे, आप खुशी दुखी हो जाएगी। सच में क्या हो जाएंगी? मतलब 3 दिन खाना नहीं दोगे ना तो लात मार के चली जाएगी मुंह पे। 3 दिन नहीं, तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 दिन की बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बाहर क्या हुआ था, जब मैं कभी नानी के घर जाता हूँ अपने वेकेशंस में 3-4 दिन के लिए, तो मैं उसको खाना कभी 2-3 बोल में देके जाता हूँ, और जब वापस आते आते वो खत्म भी हो जाता है, तो अभी वो प्यार ही करती है। अच्छा ये बहुत यानी कि आपकी शांत, कैट बेवफा नहीं है। ये बहुत शांत बिल्ली है। अच्छा ये बिल्ली नहीं, बिल्ला है। सही है।
जब ये छोटी थी 15 डेज की थी तब मैं इसको अपने घर लाया था, तो मुझे पता नहीं था ये कैट है मतलब बिल्ली है कि बिल्ला है, तो मैंने इसका नाम खुशी रख दिया। खुश रख देते बाद में, एक मैंने बार में। ट्राई किया, नहीं सुना, खुशी से ही सुनती है अब। लास्ट में सुनता आई है की जो साउंड आती है ना, उससे सुनती होगी। हाँ। सुनता होगा। सुनता होगा। कैट्स का एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि वो लड़की होगी। और डॉग्स का लड़के होंगे। हाँ मैंने एक दिन ट्राई किया था डॉग, और मैंने एक डॉग को भी अडॉप्ट किया था, लेकिन फिर ये बहुत डर रही थी, ये भाग गई थी बेड के नीचे और निकली नहीं थी कुछ घंटों तक, और फिर निकली और फिर बालकनी में भाग गई। फिर वहां से भी नहीं निकली, तो फिर मैंने अच्छा डॉग मीता, को, आपने कितनी उम्र में एक्टिंग स्टार्ट करी थी? मतलब कितनी एज थी आपकी मिनिमम, जब मैं 5 6 ईयर्स सबसे का पहला? था, जब मैं 5 6 ईयर्स का था तब मेरी पहली एड थी कोलगेट। फिर उसके बाद शायद मैंने एक दो एड्स की और फिर जो मेरा पहला सीरियल है सपने सुहाने लड़क पंडे वो किया था मैंने। और अभी आपकी एज कितनी है? अभी मैं हूँ 13 का। 13 ईयर्स का बच्चा 9th में। हाँ मैंने सीनियर केजी और जूनियर केजी स्किप किया हुआ है। हाँ, दैट मेड द डिफरेंस। अब वैसे मैं 14 का हो जाऊंगा। यार मैं आपसे 2 साल बड़ा हूँ और मैं भी 9th में हूँ। 16 15 का हूँ, 16 का हो जाऊंगा मैं, मतलब। हाँ मतलब वही ना, 14 16 ऐसा होगा ना। सब लोग इतने ही 2005 होते हैं यार 9th में। 2005 में बॉर्न हुए हो आप? हाँ हाँ मैं 2007। आपका बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे 5th अक्टूबर। 5th अक्टूबर। चलो आप मेरा बर्थडे गेस करो, मैं भी अक्टूबर का हूं। 28th अक्टूबर। पता है आपको? मुझे पता है, वाह, अक्टूबर है हम दोनों। काफी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी ना। होस्ट बन जाते हैं। सही है। आए सही, और क्वेश्चन आए? मेरे में तो हेलो ही दिख रहा है बस लास्ट एक। मेरे में तो आपकी तारीफें चल रही हैं। सो क्यूट, टैम टम टैटू। अच्छा यार बोर हो रहा है, मेरे को ऐसे फिल्टर्स के साथ कुछ खेलने का मन हो रहा है। ये कौन सा प्रश्न, ओ, ये मैंने क्या, मीत को बोर कर दिया, सब क्या कर बेकार। दिया ये क्या? ओ मीत, एवरीथिंग्स ऑल राइट? या मैं बस अलग अलग इंस्टा के फिल्टर्स देख रहा हूँ। अच्छा तो अभी आपका रीसेंट कौन सा शो आने वाला है? अभी रीसेंट तो जैसा मैंने कहा, अभी तो फिलहाल पढ़ाई पे फोकस है, तो अभी तो मुझे भी नहीं पता। किसी ने क्वेश्चंस पूछे उसके बाद? हाँ, अरे वाह, लिख रहे हैं, हंस रहे हैं, और हीरो हीरो लिख रहे हैं। मैं वो बट करूं क्या, लाइव छोड़ के वापस ज्वाइन करूं क्या? अरे हाँ, कर सकते हो। पर फिर पोस्ट करने में दिक्कत हो जाएगी, दो पार्ट्स में होगा। हाँ रहने दो, आप ही क्वेश्चंस पढ़ दो। अरे मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं शायद दूसरे फोन से देख सकता हूँ जो स्टोरी पे क्वेश्चंस थे, वो हाँ कर सकता हूँ मैं, है उसकी ना? आवाज थोड़ी सी कम कर देना। हाँ नहीं, स्टोरी पे क्वेश्चंस जो पूछे थे आप भी कर सकते हो, मेरा अच्छा कुछ नहीं मीत, होगा। आपने कोई हाँ सॉन्ग करा है अब तक? म्यूजिक वीडियो? हाँ, नहीं अभी तक तो नहीं, कुछ प्लान्स लेकिन हैं आगे? हाँ तेज भैया के साथ शायद एक है जो फ्यूचर में हो सकता है, सो या वो हो सकता है आगे, तो
मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, एक सेकेंड बस। क्या पता मैं भी आ जाऊं। सो हाँ, जो है एक नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो वो बहुत ही जल्द अभी प्लान कर रहे हैं हम, पता नहीं कब। तेज भैया ने बोला था वो बताएंगे। गाइस इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछो जल्दी। हाँ पूछ ही नहीं रहे यार, सो तुम लोग क्यूट हीरो। देखने आए हो, थोड़ा सा अपने आप को क्यूरियस बनाओ यार। इतना बड़ा इंसान तुम्हारे आगे बैठा है, इतना मौका मिल रहा है एक्सपीरियंस। आपको अपने क्वेश्चंस पूछने का, हाँ क्योंकि मैं स्टोरी पे कम ही जब भी ना, हम वो तक लाइव क्वेश्चन आए हो किसी से बात करने के लिए या फिर वैसे ही नॉर्मली? नॉर्मली मैं बहुत बार लाइव आया हूँ, मैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मैं आते रहता हूँ तभी मेरे ख्याल लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आ रहा कोई। लेकिन फिर जब मैं वो पोल डालता हूँ कि आस्क मी क्वेश्चंस, तब तो भर जाते हैं और एक ही जना दो दो बार बोलता है कि प्लीज रिप्लाई मी, प्लीज रिप्लाई मी। लेकिन फिर वो जो स्टोरी होती है ना, वो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इतनी सारी डाल दूंगा तो कोई देखेगा ही नहीं। अच्छा मेन आपका, आपने आईपीएल टीम कौन सी मतलब पसंद करी है? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस। यस तुमने भी पैसा खा लिया। मैच मैच फिक्सर्स नहीं है वो अच्छी टीम है। जब विराट कोहली सर के साथ आपने काम किया है तो आपने आरसीबी के लिए चूज करी? क्योंकि मैं रोहित शर्मा का फैन हूँ। और एक और बात, जब मैंने वो ओप्पो की मोबाइल फोन की एड शूट की थी वो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ, तब मुझे रोहित शर्मा सर ने वो जर्सी पे, अपनी जर्सी पे साइन भी करके दिया था। तो तेज भैया ने पूछा कि राज आपने किस किस के साथ काम किया है? मम्मी पापा टीचर्स। आज तो संडे था तो टीचर्स के साथ तो नहीं, लेकिन आज मेरी मम्मी घर पे भी नहीं थी तो आज मैंने काम नहीं किया। आज मैंने क्रिकेट खेला था सुबह, आज संडे था। हम लोग हर एक ने सैटरडे क्वेश्चन पूछा, संडे, डू यू गो टू स्कूल डेली? हाँ अटेंडेंस देने के लिए। अभी एक ने लिखा है, एबी डिविलियर्स विल डिस्ट्रॉय मुंबई इंडियंस दिस टाइम। बुमराह की यॉर्कर उसको LBW कर देगी, वो लैप शॉट खेलने जाएगा तो। मतलब ये देखो कि आरसीबी वाले 20 साल से उम्मीद लगाए बैठे हैं। और मुंबई इंडियंस उतने में 6-7 जीत गई। 20 साल पहले तो आईपीएल आया भी नहीं था। सॉरी हाँ, जितनी मुंबई इंडियंस तो 5-6 जीत गई है। मीट, वेयर आर यू फ्रॉम? मुंबई। मुंबई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। वैसे आप कहाँ रहते इंटरेस्टिंग हो दिल्ली? लाइफ। मैं सहारनपुर में रहता हूँ, वो कहा है पता नहीं कहाँ है, कहाँ खोया हुआ है। यूपी में, अच्छा यूपी में। उत्तर प्रदेश। क्रिकेट के क्वेश्चंस पूछो, मुझे मजा आता है आंसर देने में। हाँ यहाँ लिखा है एबीडी प्लस मैक्सवेल। हाँ, मैक्सवेल ने तो पिछली बार मस्त सेंचुरी मारी थी सारे पिछली बार नहीं, मैचेस हर में बार, मिला। हाँ हर बार एक ना एक हरकत करी भी है उसने। नहीं, उसने पिछली सीजन अच्छी सेंचुरी मारी थी पंजाब के लिए, सारे मैचेस मिला के उसने 108 रन मारे थे। हाँ ऐसे नहीं कहते। सेंचुरी एक सेंचुरी मैंने होती मीम है। देखा था, उसमें लिखा था मैक्सवेल इन ऑक्शन, बहुत अच्छा था। मैक्सवेल इन मैचेस। क्या था ऐसे याद नहीं आ रहा मुझे। मेरे पास तो ऐसे क्रिकेट के बहुत सारे मीम्स होते हैं, लेकिन अच्छा रोहित शर्मा, एक का लेकिन मैसेज आया, रोहित मलिंगा के बारे में कुछ बताओ। मलिंगा सर तो अभी जिताया उन्होंने ही था 2017 और मजा आ गया था देख के, लेकिन अब रिटायर हो गए। मुंबई इंडियंस में होते तो और जिताते रहते वो तो। लेकिन रोहित शर्मा की टीम इसीलिए जीतती है क्योंकि रोहित शर्मा सर कैप्टेंसी बहुत अच्छी करते हैं, सर भी करते हैं नो डाउट,
रोहित शर्मा भी अच्छे करता है कैप्टनसी, मुझे लगता है कहीं कैप्टनसी की वजह से ही जीतते हैं वो लोग, और प्लेयर्स भी वो लोग ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स लेते हैं वो लोग, जब उन्होंने हार्दिक पांड्या और बुमराह को लिया था तब दोनों को 20 और 10 लाख में लिया था बस ऑक्शन में, और अब देखो एक ने पूछा मंथली इनकम दोनों की किन की, देखो भाई हाँ मेरी मंथली इनकम तो मेरे पापा की है मेरा इनसे पूछ, और मेरी मुझे, और मेरी मुझे पता नहीं, मम्मी को पता है। वाव एटीट्यूड नहीं एटीट्यूड नहीं, सही में मम्मी को पता है, अक्षय कुमार सर वाला पोज। अच्छा मीत आपके मॉम डैड क्या करते हैं? बिजनेस वेस्टर्न लेडीज गारमेंट का बिजनेस है डैड का, और मेरी मॉम तो हाउस मेकर है। ओके अच्छा मीत आपसे मेरी मॉम बात करना चाहती हैं, ले लो। हेलो आंटी, कैसे हो? बहुत स्वीट हो यार, थैंक यू। हाँ मम्मी कैसी हैं? मम्मी भी अच्छी है, आप कैसे हो? अच्छी हूँ। मम्मी आपकी? मम्मी तो बाहर गई हुई अभी। अच्छा मैं भी बाहर गई हुई थी, अभी आई हूँ लेकिन मेरी मम्मी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ये आपका वो है गद्दी है जहां पर आप बैठ के इंटरव्यू लेते हो, कह सकते हैं मतलब एक्चुअली मतलब कह सकते हैं मेरे साथ, मेरे को कोई फोन नहीं करता, कभी कोई फोन नहीं करता भाई साहब, 7 बजे से लेकर 7:40 तक, अभी मैं गिनवा दूंगा 8-9 फोन आ चुके, जितनी बार भी पॉज हुआ ना सारे फोन आए हैं मेरे, वैसे कोई फोन नहीं करता लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे कर रहे हैं। वैसे हाँ ये इंटरव्यू की गद्दी कह सकते हैं, क्योंकि जब मैंने अपने घर को देखा तो मैंने कहा बस यही ठीक है बाकी कुछ ठीक तो अभी तक आपने कितने इंटरव्यू होस्ट किया? मैंने बिल्कुल भी होस्ट नहीं करा, मैंने अभी वरुण के साथ होस्ट किया था, वरुण बुद्धदेव शायद आप जानते हो। हाँ। और फिर आपके साथ कर रहा हूँ, और मतलब दोनों ही काफी अच्छे लगे मुझे, और दोनों से बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो अभी थर्ड होपफुली बहुत जल्दी होगा, पता नहीं किसके साथ, आई डोंट नो, मेरे को भगवान से ऑर्डर आते हैं हमारे भगवान तो आप जानती है कौन है। यस जो हम दोनों को तथास्तु बोलेंगे, तथास्तु बोल जाते हैं, तथास्तु बोल के तथास्तु कर देते हैं। मीता आप बहुत क्यूट हो, मैं भी मानता हूँ और जनता भी लिख रही है, थैंक यू सो मच जनता माने, डेटॉल कर दूंगा। हाँ भाई जल्दी खत्म होगा, 15 मिनट भी नहीं होगा। और इंटरेस्टिंग पूछो गाइस, इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग। तो तेज भैया का मैसेज आया, एवरी संडे, हर संडे इंटरव्यूज आएंगे। ओ नाइस, थम्स अप। आप भी देखने आना। कौन मैं? हाँ आप। श्योर श्योर श्योर। यार मेरे में हेलो पे क्यों अटक गया ये? आप वैसे वो काम कर सकते हो, कोई और फोन लाकर उसमें देख सकते हो। हाँ पर है या नहीं पता नहीं, अगर मैं लाइन बाय लाइन मैसेज पढ़ने लगा तो क्यूट क्यूट हाय हाय क्यूट हाय क्यूट हाय 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 सारे हाय को हाय 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 क्यूट को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक ने लिखा है कि MSG के बारे में कुछ बताओ। जब वो थे इंडिया के लिए खेलते थे तो मेरे फेवरेट प्लेयर थे, तो नंबर वन पे वही थे, आईपीएल में नहीं, आईपीएल में हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या तो ऑल टाइम, ऑल टाइम नहीं। अच्छा हाँ अभी एक क्वेश्चन आया है काफी अच्छा, हाँ स्कूल में चीटिंग करी है फिर? हाँ कौन नहीं करता, मैंने पहले ही बोला मैं बैक बेंचर हूँ। ओ इसमें तो स्टार्टर पैक है बैक बेंचर्स का, चीटिंग करेंगे
टीचर से झक मारेंगे, आर्गुमेंट्स करेंगे, नहीं नहीं पढ़ाई लेकिन के पीरियड मैं... में गेम्स खेलेंगे और पेन फाइट करेंगे। पेन फाइट मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल पेन फाइट में वेस्ट करे हैं, मैं जानता हूँ कितनी ज्यादा। आप भी बैकबेंचर हो और क्या। आपने कभी वो वाली, आपने कभी वो वाली गेम खेली है जो बुक नोटबुक पे ऐसे कुछ कॉलम्स बनाने होते थे, व्हिच फोन यू विल हैव, व्हाट विल बी योर प्रोफेशन, व्हाट विल बी योर प्रोफेशन, हाउ मच मनी विल यू मेक पर मंथ, वेयर विल यू लिव। तो मेरा वैसा ऐसा ऐसा करके स्टॉप करना होता था। तो मेरा एक दिन प्रोफेशन में आया एक्टर, मैं बंगलो नहीं, विला नहीं, बिल्डिंग नहीं, हट आया उसमें, हट में रहूंगा। तो उस गेम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्या है, ये घर है, मैं बिल्डिंग में रह रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस हूँ। अच्छा पता है क्या, मतलब कोई कोई ऐसे हुआ पापा कि हट में रहेगा और मंथली इनकम है करोड़ों की। हाँ वही होता है। मतलब मैं पागल हूँ, मैं इतने पैसे लेके कहाँ जाऊंगा। साइकोलॉजिस्ट के पास उसको दिखाना पड़ेगा भाई क्या कर रहा है। मतलब इट्स लाइक अ फ्रेंडली इंटरव्यू आपके साथ, ऐसा लग रहा है कि मतलब आज बात तो पहली बार हुई नहीं है, बहुत बार हुई। ये इंटरव्यू है नहीं, ये नॉर्मल लाइफ सेशन है, टॉक्स ब्रो टॉक्स, यो बैकबेंचर टू बैकबेंचर टॉक। ओहो 5-6 बार पूछेगा हु इज योर जीएम, नो वन, कोई नहीं। एनी सिब्लिंग्स? नो, ये खुशी को मैं बहन मानता हूँ जबकि भाई निकला। ये एक चीज का नोटिफिकेशन था जो सभी को आता है, 100% अलर्ट, you have used your 100% data. Wi-Fi से कनेक्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड ना। एक सेकेंड मीत हाँ। आपने अभी बोला खुशी का मैं अपनी बहन मानता हूँ, हाँ लेकिन वो तो भाई होना चाहिए। हाँ तो मैंने उसके बाद वही बोला कि खुशी को मैं बहन मानता हूँ लेकिन ये भाई निकला। अच्छा मैंने सुना नहीं। शायद उसी वक्त मेरा 100% वाला नोटिफिकेशन आ गया होगा, हाँ तो इसीलिए। ये हेलो यार क्यों नहीं आ रहा इसके आगे कुछ। हेलो कैसे जिसके नाम से लिखा है ना उसने एक दुआ करी होगी कि प्लीज ये कमेंट अटका दो, ये मीत को दिखना चाहिए। खुशी को देखो, स्लीपिंग ब्यूटी, स्लीपिंग ब्यूटी, स्लीपिंग ब्यूटी। मैं बोर हो गया हूँ बैठे बैठे अब। गाइस कोई चलो गेम खेलते हैं, एसटीडी खेलते हैं हम, चलो एसटीडी खेलते हैं हम, ठीक है। मैं स्टार्ट करूं, आप स्टार्ट कर लो। आप 1 2 3 क्या कर रहे हैं। स्टोन पेपर से इधर आते हैं। ओके आते हैं स्टोन, हाँ और क्या। स्टोन पेपर पेपर कंप्लीट होने दो। स्टोन पेपर सीजर स्टोन, ये लाइफ में खेलना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा।
आए क्वेश्चंस आए और क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे. यहाँ लिखा है राज गाना सुनाओ. सुनाओ मैं या एक सेकंड याद कर लेता हूँ मुझे कौन सा गाना आता है. यहाँ पर ब्लॉक नहीं बन रहा, मैं दिख ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर. चलो वहीं चलते हैं हम. कोई भी गा दो अच्छा सा, रैप ही गा दो कोई. अटक गया क्या मेरा फोन? नहीं नहीं मैं अटक गया. अच्छा अच्छा तो चलो ठीक है सुनाता हूँ. मैं रहूं या ना रहूं तू मुझ में सदा बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखरी तुम ख्वाबों में आते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, तो कहो बस इतना है तुमसे कहना. वो ये याद आया मुझे और कुछ याद नहीं. कौन गाता है? सनम. अरे अभी मीत सर बिजी हैं. क्या बोल रही हैं आंटी जी? कुछ भी नहीं. कौन सनम? अरे सनम एक यूट्यूबर है ना, उन्होंने कहा कि उसका गाना सुना दे गुलाबी आंखें. मैंने कहा छोड़ो. अच्छा मेरे महबूब. अच्छा मेरे महबूब कयामत होगी सुनोगे? सुनाओ. मेरे महबूब कयामत होगी आज रसवा तेरी गलियों में महाबत होगी, तेरी नजरें मेरी नजरें तो गिला करती है तेरे दिल को भी सनम, तुझे से शिकायत होगी मेरे महबूब. चलो लिरिक्स भूल गए थे मैं, थोड़ी टोन इस बार गलत थी, मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा था. हाँ यार मैं बेकार गाता हूँ. और अच्छा गाइस नाउ लास्ट 10 मिनट्स, जल्दी जल्दी आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस है दिमाग में सब पूछ रही हूँ. फेवरेट बता चुका हूँ. हाँ. फेवरेट क्रिएटर बता चुका हूँ. लास्ट 2 मिनट्स है हमारे पास, हम 8 बजे लाइव बंद कर देंगे. अच्छा ठीक है चलो. मुझे लगा 8 पे करना है. नहीं 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 मेरी बात को बुरा मत मानना. 10 मिनट बात करते हैं. ठीक है. मेरे को तो दिख नहीं रहा तो आप ही बता देना मुझे क्वेश्चंस. 4 बार कमेंट आ चुका. मीत इज वेरी डाउन टू अर्थ. थैंक यू. कॉम्प्लीमेंट्री थी तो एक कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट हो गया. अच्छा मीत आपने पावड़ी वड़ी बनाई अब तक? हाँ नहीं अभी तक नहीं बनाया पावड़ी वड़ी. नहीं बनाया मतलब अब बना दिया. इंस्टाग्राम ने तो पागल कर दिया है. ये मैं हूँ, ये खुशी है और खुशी बहुत ही ज्यादा आलसी हो रही है. ये बनाऊंगा मैं, ये लाइव खत्म होने के बाद ये डालूंगा स्टोरी पे. सोनल दी के बारे में कुछ बताओ मीत. सोनल दी और मैं दोनों ही, हम दोनों व्लॉग्स बनाते हैं हमारे यूट्यूब के लिए. तो जब भी हम लोग कहीं पैकअप के बाद बाहर कहीं जाते थे तो एक तरफ से मेरा फोन चालू होता था और दूसरी तरफ से उनका फोन चालू होता था, तो हम दोनों हर बार कोलैप्स हो जाते थे.
रिकॉर्ड करते करते वक्त, और वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है. हम लोग सेट पे गेम्स खेलते थे, और जब मुझे कोई वीडियो रिकॉर्ड करवाना होता था यूट्यूब के लिए तो वो रिकॉर्ड करती थी, और जब उनको चाहिए होता था तो मैं करता था. हमने बहुत ही ज्यादा मजे किए थे गुप्ता ब्रदर्स में. हम लोग को कभी ब्रेक मिलता था 1-2 घंटे का तो हम लोग गेम्स खेलते थे, पकड़ा पकड़ी, हाइड एंड सीक, लॉक इन की, हम लोग सब. तो मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ. बहुत. अच्छा आप कभी जयपुर आए हो? जयपुर? हाँ. ये जो ओप्पो मोबाइल फोन की एड है ना, जो क्रिकेटर्स के साथ सारे की थी मैंने, उसी के लिए मैं आया था, उसी की शूटिंग के लिए आया था मैं. और उसके अलावा भी मैं 2 बार आ चुका हूँ. अच्छा आप अब्रॉड कहाँ कहाँ गए हो? बैंकॉक, श्रीलंका, बैंकॉक श्रीलंका, और फिर वो कौन सा जगह है यार, रशिया, 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 किर्गिस्तान. आप गए हो रशिया? नहीं. तो ये आपकी बात कर रहा था मैं कि मुझे पता है. अच्छा हाँ, रशिया, किर्गिस्तान, फिर एक और था, याद नहीं आ रहा, एक और था. या आप याद दिलाओ. श्रीलंका बोल दिया ना हांगकांग, मैंने. हाँ हांगकांग. नहीं, हांगकांग नहीं. अच्छा याद आएगा मैं बता इंडोनेशिया, दूँ. नहीं, ये सब वो जगह है जहां मैं गया हूँ. मैंने पूछ ली. मैं याद आएगा मैं बता दूंगा. अच्छा राज गुवाहाटी कब आओगे? गुवाहाटी कब आओगे बताओ आप. अच्छा सच बताना, आपको गुवाहाटी पता है कहाँ पे है? हाँ पता है. कहाँ पे? इंडिया में ना कहाँ पे, कौन सी स्टेट में? आपको पता है? यूपी में है शायद. नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने सुना हुआ है यहाँ आसपास, मतलब काफी दूर है यहाँ से तो शायद. आसपास में नहीं, काफी दूर है. अब देखो कैसे सही हुई है. अच्छा आसाम गए हुए अमित? नहीं, जो मेरी भाभी माँ का रोल प्ले कर रही थी गुप्ता ब्रदर्स में वो आसाम की है. मैं जयपुर में आमिर फोर्ट के वहां पर ऑपोजिट में शूट कर रहे थे हम लोग. अच्छा. और फिर जो अगला सीन था वो आमिर फोर्ट के अंदर ही शूट किया था हमने, बड़ा सा. अच्छा मीत आपसे पूछ रहे हैं, मतलब मैं तो पूछ चुका हूँ ये बात लेकिन फिर से पूछ रहे हैं, आप एक्टिंग में कैसे आए, दोबारा बता पूरा वापस से. थोड़ा सा कैसे स्टार्टिंग में? मुझे बहुत इंटरेस्ट था. मेरी मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी प्लीज मुझे एक्टिंग में जाना है, मुझे एक्टर बनना है. तो फिर मेरी मम्मी ने अपनी फ्रेंड से पूछा कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है. तो फिर पता चला कि ऑडिशन देना पड़ता है, फिर जाके सिलेक्शन होता है. तो हम गए ऑडिशन देने पहली बार, तो वहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन दिया अपना, पूरा जो भी करना था ऑडिशन में वो किया. देन फिर मैं सिलेक्ट हो गया और मैंने शूट किया कोलगेट एड, मेरी फर्स्ट एड. और फिर अब मुझे एक बात पता चली है काफी इंटरेस्टिंग और काफी शॉकिंग. क्या गुवाहाटी असम में है? दोनों को नहीं पता था. ठीक है, यूपी में ही आसपास. आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना? हाँ
पढ़ते जाओ, सारे पढ़ता जाऊं? सारे पढ़ते जाओ। मीत मुकी, प्लीज आंसर मी इन इंस्टाग्राम। हाय अनुष्का शर्मा के साथ एड्स की थी? हाँ, मैंने कारा टिश्यू के ऐड की थी, लेकिन तब दो हंसने वाले टेढ़े इमोजी, क्या उनके आंसू भी निकल रहे हैं। एक ने लिखा मीत और फिर रो रहा है। यहाँ से आंसू निकल रहे हैं, यहाँ से, यहाँ से तो रो रहे हैं। आपकी जीएफ का नाम क्या है? फाइंडिंग जीएफ। नहीं है मेरी कोई। होम डू यू वाना कोलैब विद? कोलैब किसके साथ करना है? कोलैब किसके साथ करना है? ये अच्छा क्वेश्चन था, मैंने सोचा नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं करूंगा तो मैं एप्पल वालों के साथ करूंगा। एप्पल के साथ मुझे करना है। एप्पल, अच्छा, ओ ब्रांड, एप्पल ब्रांड के साथ, वो डॉक्टर वाला एप्पल नहीं। नहीं नहीं मैं समझ रहा। हाँ, बिकॉज मुझे एप्पल के गैजेट्स बहुत पसंद है। मीत, यहाँ फिर से उसी बंदे ने चार बार लिखा है कि आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ। मैं फिर दूसरी बार बोल रहा हूँ, थैंक यू सो मच। कांड 98 के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, वो स्नाइपर है, लेकिन AWM से कम अच्छी, और M24 से भी कम। हाँ, M24 से भी अच्छी, मतलब वो लोएस्ट स्नाइपर्स में आती है, फिर M24, फिर लेकिन हर चौथी जगह पे मिल जाती है कांड 98, इसीलिए। हाँ, मिल तो जाती है। सबसे ज्यादा वहां मिलती है, कहाँ थी, पोचिंग की में तो नहीं मिलेगी, बहुत रेयर। हाँ, स्कूल में भी मिल जाती थी कभी कभी, और जगह ही मैं भूल गया, और तो जहां पर लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है ना वही मिलता है, जहां बहुत कम लोग आते हैं, और उससे पहले दोस्त उठा लेता है। जॉर्जियो पूल में मिल जाती है। अच्छा, एक नीचे लिखा है राज बहुत ज्यादा हवा में उड़ता है। नहीं, बैठे हुए आप? हाँ, बताओ इनको, तेज भैया नहीं बोला है? नहीं दिख रहा है मेरे को। अच्छा भैया, आप सुनो, मुझे ये बताओ कि आप पबजी खेलते थे? हाँ। फेवरेट गन? M416। M416, हाँ ठीक है। और स्नाइपर में? AWM। नहीं नहीं वैसे M24 ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। मेरे को AWM ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन उसकी बुलेट्स लिमिटेड मिलती है। पता है M24 की आवाज ज्यादा बढ़िया लगती थी मुझे पहले, लेकिन फिर AWM की आवाज अच्छी लगने लगी। आवाज छोड़ो, स्नाइपर कौन सी अच्छी है, ओम अच्छी है मेरे हिसाब से। ओम से तो फिर मरना ही है बंदा सामने वाला। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, रिडल नहीं है ये, पबजी को रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ। ऐसी कौन सी गन है जिसका रिकॉइल कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है? अच्छा रुको रुको रुको, बता दिया आंसर, मैं बोला था रुको, लेट ऑल गेस, मतलब जो भी पबजी नहीं, नहीं, मेरे से आज तक कंट्रोल नहीं हुई वो। मैंने क्या किया, मैं शुरुआत में मैंने एक मैं नोस्कोप नोस्कोप क्लोज रेंज में अच्छी लगती है मुझे वो। सुनो तो मैंने एक बारी AKM में 2x लगाया, मतलब मुझे आता नहीं था उस टाइम खेलना, लगा दिया मैंने, चला मैं आसमान में गोलियां चला रहा हूँ, बंदा सामने खड़ा है, वो तो अच्छा है, वो बॉट था, फिर मुझे अकल आई। मैं होलो या रेड डॉट लगाता था, और या तो फिर मैं वो लगा लेता था, नो स्कोप ही रहने देता था, और क्लोज रेंज में वो बेस्ट होती है। और M416 में कौन सा स्कोप बेस्ट होता है? M416 में? हाँ, कौन सा स्कोप बेस्ट होता है? I think 6x को 3x बना लेना चाहिए। You are a true PUBG lover. 6x लगाया, उसको 3x बनाया, और लेट के फायर करोगे तो वहीं रहेगा, वो वहीं रहेगा, हिलेगा नहीं वहां से। बहुत मस्त। लेकिन एक मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती थी, वो तो नहीं हिलता था, वो बहुत मुश्किल से हिलता था, और बंदा भागते रहता था। एक रिडल है, रिडल नहीं, क्या है ये, टंग ट्विस्टर। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा, समझ के समझ को समझो, नहीं समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के समझ को समझो, जो ना समझे मेरी नजर में वो समझदार है। ये पूछा है हिमांगी दीदी ने, ये मेरी क्या 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 समझ समझ के समझ को समझो, समझने के बाद भी जो ना समझे वो मेरी नजर में ना समझ है या समझदार है, वो
समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ भी एक समझ है, समझ समझ को ना समझे, समझ को समझना भी एक समझ है, जो समझ को ना समझे वो मेरी नजर में ना समझ है या समझदार है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ पक्का पापड़। नीचे लिखा है दोनों स्कूल स्टडी नहीं करेंगे पर लेकिन पबजी की स्टडी पूरी करेंगे। अच्छा अब आप कोई पबजी रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, देखते मैं आंसर कर पाता हूँ। कभी एकेएम में 6x लगाया? नहीं नहीं गलती से भी नहीं कर। मैं नोस को क्या किया था, मेरे पास स्नाइपर नहीं थी, बंदे बहुत दूर थे, मैंने एकेएम के अंदर 6x लगाया क्योंकि इस टाइम एकेएम थी, उसको सिंगल पे सेट और किया उनको, और हेडशॉट मारा। और मैं आगे का बता, मर गया, मैं आगे की स्टोरी गेस कर रहा था। सिंगल पे लगाया मैंने। अच्छा सिंगल पे लगाया तो हाँ रिकॉइल इजी होता है, तो मेरे को आगे की स्टोरी में गेस कर रहा था कि उनको आपकी लोकेशन पता चल गई होगी और फिर उन्होंने आप पे रश कर दिया होगा और फिर आपने फटाफट नेक्स्ट मैच शुरू कर दी होगी। मैं तो स्मोक करके स्मोक नेट फेंकता रहता हूँ। मैं नेट्स फेंकता हूँ। एक दिन हम लोग स्कूल पे रश कर रहे थे, मैं गाड़ी में था, हमारी स्क्वाड थी पूरी, हम चार जनों की, तो मेरे हाथ में नेट था, मैंने कुक पूरा कर दिया था, 3 सेकंड बचे थे, मैंने जल्दी जल्दी मैं स्कूल की दीवार पे ही फेंक दिया, खिड़की से गया ही नहीं और वापस हमारी गाड़ी पे आया और हमने न्यू मैच स्टार्ट कर दिया। ये क्या लिखा है, पक्के पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। ये याद था मुझे, ये याद था, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पिंकू पकड़े पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। 5 बार बोलना है, 5 बार बोलना है, एक बार मेरे को बताओ वापस। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका क्या, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया, छोड़ो क्या है वो, पपाया क्या, पापड़ क्या, पके पेड़ पर पका पपीता, पके पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका। चलो सही है अमित, काफी ज्यादा मजा आया आपसे बात करके। हाँ मतलब फॉर्मेलिटी में नहीं कह रहा हूँ, सच में बात आज का लाइव यानी। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आया रिडल्स पूछ के सबसे ज्यादा। अच्छा सो बस खत्म फिर लाइफ, मिलूंगा आपसे फिर अगली बार। ओके बाय बाय। एक सेकंड एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, मजा आएगा। हाँ। इसका स्टोरी पर डालेंगे। मैं एक सेकंड में अच्छा से पोज दूंगा। हाँ मेरे पे तो एक ही पोज है, एक तो ये वाला। और ये वाला। अच्छा तो गाइस आप लोग ले लो, या फिर मेरे भाई बंधु बैठे हैं गणेश अरोड़ा भैया और देव भैया, स्क्रीनशॉट ले लो अगर ले सकते हो तो। 5 4 3 2 1 ले लो, ले लिया, ले लिया। बाय बाय। So guys, मीत सर चले गए हैं, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन एक दिन उन्हें क्या बोला, चलो ठीक है, बाय गाइस, मिलते हैं फिर बाद में।